नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट डिथालोग पे। मैं संदीप तिवारी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में हम इस लाइव सेशन में जो आपको ज्योमेट्री पे करा रहे हैं, हमने आपको बेसिक अप्रोच ज्योमेट्री का बताया, समझाया। मैंने ज्यामिति से संबंधित जो भी बेसिक चीजें होती, जैसे मैंने बिंदुओं के बारे में, रेखाओं के बारे में, कोणों के बारे में एक प्रॉपर आपको जो है लेक्चर प्रोवाइड किया। आज उसी के सीरीज का अगला पार्ट हम लोग यहाँ पर लेकर के आए हैं। पिछले वीडियो में जैसे जिक्र किया गया था कि अगले जो पार्ट में हम लोग यहाँ पे चित्रों के बारे में डिस्कस करेंगे। जब हम लोग किसी समतल पर, आप सब जानते हैं, आप ज्योमेट्री का दूसरा सेशन पढ़ रहे हैं, तो ज्यामिति से संबंधित चीजों के बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस टोटल कर रहे हैं। तो ज्यामिति में जो आपने देखा कि समतल पर किसी एक बिंदु को प्लॉट किया जाता है, मतलब कोई एक बिंदु को दर्शाया जाता है, जब बिंदुओं से बिंदु को मिलाया जाता है, मतलब बिंदु से बिंदु को मिलाया जाता है तो रेखाएं प्राप्त होती है, और रेखाओं से रेखाओं को मिलाने पर कोण प्राप्त होता है, और जब दो से अधिक रेखाओं को मिलाते हैं तो एक चित्र प्राप्त होता है। फिलहाल हम चित्र, एक रेखा को भी चित्र कह सकते हैं, एक बिंदु को भी चित्र कह सकते हैं, लेकिन अगर एक आधारित चित्र या एक आधारित चित्र की बात की जाए, मतलब जिसका अपना कुछ एक अप्रोच हो, जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हो किसी प्रकार के ज्यामिति से संबंधित पार्ट में, तो आपके जो पहले चित्र की शुरुआत होती है, आपका पहला चित्र क्या कहलाता है? त्रिभुज कहलाता है, ट्रायंगल होता है। हम लोग पहले चित्र की बात करते हैं जिसका नाम है ट्रायंगल, और ज्यामिति के हिसाब से इस चित्र की बहुत ही बड़ी उपयोगिता होती है। आप त्रिभुज के, आप ज्यामिति से संबंधित जो भी किसी भी एग्जाम में प्रश्नों को फेस करते हैं, उसमें त्रिभुज का उपयोग होना, त्रिभुज का यूज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। त्रिभुज को दो प्रकार से पढ़ा जाता है। एक तो त्रिभुज को पढ़ा जाता है ज्यामिति के आधार पर, दूसरा त्रिभुज को पढ़ा जाता है मेंसुरेशन के, मतलब क्षेत्रमिति के आधार पर। फिलहाल हम इस क्षेत्रमिति का सेशन नहीं लेके चल रहे हैं, इसलिए हम ज्यामिति के आधार पर त्रिभुजों का पूरी तरह से क्लासिफिकेशन आपको करके दिखाएंगे। चलिए, मैं आपको ज्यामिति पर चित्रों से संबंधित चीजों के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं, और वहां से हम रह करके हर एक टर्म्स को समझ पाएंगे। तो मतलब हम लोग यहाँ पे ज्यामिति में रह करके फिगर की एनालिसिस करने जा रहे हैं, मतलब चित्र की बात करने जा रहे हैं। तो आपको हम चित्र बता दें, तो चित्रों का जो अप्रोच बनता है, चित्रों के जो प्रकार बनते हैं, वो कुछ ऐसे दो प्रकार से चित्रों को हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। आप चित्रों को अगर मेंसुरेशन में लेकर के चलिए, तो मेंसुरेशन के हिसाब से चित्रों को दो प्रकार में बांटा जा सकता है। एक समतल आकृति होती जिसको प्लेन फिगर कहते हैं, दूसरी सॉलिड आकृति होती जिसको आप ठोस आकृति कहते हैं, ठोस चित्र कहते हैं। सॉलिड फिगर होता है जिसको ठोस आकृति कहते हैं। लेकिन हम यहाँ पे चित्रों की बात करेंगे तो हम दो प्रकार के चित्रों को नोटिस करेंगे। एक ओपन फिगर होगा, ओपन फिगर का मतलब होता है खुली आकृति, आपको हम दिखाते हैं खुली आकृति, और एक आपके पास होता है क्लोज्ड फिगर जिसको हम लोग बंद आकृति कहते हैं, बंद आकृति। इन हर बंद आकृति को, इन बंद हर आकृति को हम पॉलीगन कहते हैं, हम पॉलीगन कहते हैं। पॉलीगन को हिंदी में बहुभुज कहा जाता है, बहुभुज कहा जाता है। मतलब एक ऐसा क्लोज फिगर, एक ऐसा कोई भी क्लोज फिगर जो कि कई भुजाओं से घिरा होता है, मतलब कम से कम दो भुजाओं से घिरा होता है, जिसकी हर भुजाएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, भले ना दूर जुड़ी हो, लेकिन एक ऐसा रीजन जनरेट होता है जिसका एक प्रॉपर क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सके, ऐसे हर आकृति को पॉलीगन कहते हैं, और पॉलीगन को बंद आकृति या हम लोग जो है बहुभुज कहते हैं। हम लोग यहाँ पे पॉलीगन से या बहुभुज की ही बात करने जा रहे हैं, जिसके लिए जब हम किसी भी बंद आकृति को बनाने जाते हैं या प्लान करने जाते हैं, तो आपको हम दिखा दें कि बंद आकृतियों का निर्माण किस प्रकार से होता है और कैसे हम बंद आकृतियों को समझ पाते हैं। तो जब आपने बंद आकृति बनाने का प्लान किया, तो सबसे पहले आपने रेखाओं को, एक रेखा को मिलाया, तो एक रेखा जब हम बना देते हैं और इस प्रकार से किसी चित्र की बात करते हैं, तो इस चित्र का कोई भी क्षेत्रफल ज्ञात नहीं किया जा सकता। अगर हम एक रेखा से दूसरी रेखा को भी मिलाते हैं तब भी एक ओपन आकृति ही रह जाती है, आप इस तरह के किसी भी चित्र का भी कोई क्षेत्रफल ज्ञात नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही दो रेखाओं को हम किसी अन्य रेखा से मिलाते हैं, एक क्लोज फिगर, एक बंद आकृति का निर्माण होता है, और हम इस फिगर का चित्र, इस चित्र का, इस फिगर का हम क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से पहले चित्र का निर्माण जो हुआ वो आपका त्रिभुज कहलाया, मतलब ट्रायंगल कहलाया। त्रिभुज के बाद के फिगर्स की बात की जाए तो आपको चतुर्भुज मिलता है, जिसमें चार फिगर, चार लाइंस आपकी जुड़ करके एक चित्र का निर्माण करती है। चतुर्भुजों की अलग अलग कैटेगरी होती है जिसको आप अलग अलग तरह से पढ़ते हैं। उसके बाद पंचभुज भी बनता है, खंडभुज भी बनता है, सप्तभुज भी बनता है, जो आपको रेक्टिलिनियर फिगर में पढ़ाया जाता है। चीजें थोड़ा सा हटके हैं, इसलिए हम वहां पे इसको डिटेल से नहीं जा रहे हैं, नहीं तो हम इस पार्ट से भटक जाएंगे जो कि आपको हमको पढ़ाना आज का उद्देश्य है हमारा। तो हम लोग पहले बहुभुज की बात कर रहे हैं,
पहले उस चित्र की बात करें जो कि क्लोज फिगर होता है, जो कि आपका त्रिभुज कहलाता है। तो त्रिभुजों की बात हम लोग यहाँ पे टोटल इस टॉपिक में करने जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि तीन भुजाओं से घिरी आकृति आपकी त्रिभुज कहलाती है। तीन भुजाओं से घिरी आकृति आपकी त्रिभुज कहलाती है। अगर हम इस तरह के फिगर की बात करें तो त्रिभुज आपका ए बी सी है, जिसको हम जनरली कुछ ऐसे डिनोट कर पाएंगे, त्रिभुज ए बी सी है। त्रिभुज के टर्म्स की बात करें तो इसमें देखिएगा, टर्म्स में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं किसी त्रिभुज में। पहली चीज तो तीन भुजाएं होती है, जिसको आप लोगों ने देखा, तीन भुजाएं होती है। अगर हम इन सब भुजाओं के नाम लिख दें तो भुजाएं मेरे पास ए बी है, भुजाएं मेरे पास बी सी है, भुजाएं मेरे पास ए सी है, मतलब ए बी भुजा, बी सी भुजा और ए सी भुजा। इस प्रकार से तीन भुजाएं आपको किसी चित्र में मिलकर के एक त्रिभुज का निर्माण करती है। तीन भुजाओं की बात किया जाए, तीन मेरे पास कोण होते हैं, तीन कोण भी होते हैं। अगर कोणों की बात करें तो कोण आपका ए बना, कोण बी बना, कोण सी बना। तो आप अगर कोण ए को चाहेंगे तो कुछ इस तरह से हम ऐसे इंडिकेट कर दे रहे हैं, कोण ए है, कोण बी है और कोण सी है। थोड़ा सा अगर इसको और अच्छे से लिखना चाहे, इस कोण ए को हम प्रदर्शित करके कुछ इस प्रकार से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। आप इसको कोण बी ए सी भी बोल सकते हैं, आप इसको कोण सी ए बी भी बोल सकते हैं। इसी क्रम में बी को ए बी सी भी बोला जाता है और सी बी को सी बी ए भी बोला जाता है। सेम कॉन्सेप्ट में अगर हम सी की इंडिकेशन सी को डिनोट करना चाहें तो ए सी बी और बी सी ए से भी इंडिकेट कर सकते हैं। तो तीन प्रकार के हमारे पास कोण होते हैं, तीन बिंदु होते हैं, तीन वर्टेक्स होते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पे तीन शीर्ष बिंदु कहलाते हैं। तीन शीर्ष बिंदुओं को ही मिलाकर के रेखाएं बनाए थे। तो पहली शीर्ष बिंदु ए हो गई, बी हो गई और सी हो गई। ये वर्टेक्स कहलाते हैं, ए बी और सी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे समझ में आता है, उस फैक्ट को भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। नोट क्या है कि किसी भी त्रिभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। त्रिभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है, बात हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। कोई भी त्रिभुज बनेगा उसके प्रत्येक अंतःकोणों की बात 180 अंश के बराबर होता है। ये त्रिभुज से संबंधित बेसिक इंफॉर्मेशन थी। अब हम त्रिभुज में पढ़ेंगे क्या, इस बात की हम यहाँ पे एनालिसिस करने जा रहे हैं, इस बात का जिक्र करने जा रहे हैं। तो पढ़ना क्या क्या है त्रिभुज में, पहले उसकी बात करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग जो है हम हर एक पॉइंट्स को जो आपको बताएंगे उसको एक एक करके डिटेल से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि त्रिभुजों में पढ़ना क्या है। त्रिभुज जो हम पढ़ने से रहे हैं आप, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, उसमें पढ़ना क्या क्या है, इस चीज को हम लोग यहाँ पे नोटिस करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं पहली चीज आपको जो बताऊंगा, जो आपके सिलेबस के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, जिन हर एक पॉइंट्स को पढ़ करके ही हम लोग इस पूरे टॉपिक को अच्छी तरह समझ पाएंगे। सबसे पहले कंडीशंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल, मतलब त्रिभुजों के बनने की स्थिति, त्रिभुजों के बनने की स्थिति, त्रिभुज बनेंगे कैसे, ये हमको जानना बहुत जरूरी है। बनने की स्थिति, त्रिभुज का बनना सबसे इंपॉर्टेंट हुआ, पहले बन जाए फिर उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें। दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुजों के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों के प्रकार, हम त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, कैसे इसको वर्गीकृत कर सकते हैं, इस बात को हम लोग यहाँ पे सेकेंड पॉइंट में पढ़ेंगे। तीसरी बात अगर हम लोग करें तो हम यहाँ पे आपको बताएंगे त्रिभुज से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण, जिसमें आपको कहेंगे लंब और माध्यिका और लंब के बारे में पढ़ेंगे। चौथा पॉइंट त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में पढ़ेंगे, त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में पढ़ेंगे, सर्वांग समता चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट त्रिभुजों की समरूपता पढ़ी जाएगी, त्रिभुजों की समरूपता भी पढ़ी जाएगी, समरूपता। इन प्रकार से पांच इन बिंदुओं पर आधारित होकर के इस पूरे त्रिभुज को हम अच्छी तरह से समझेंगे। जो जो रिलेटेड टर्म्स रहेंगे हर एक टॉपिक में रहेंगे, उनको हम बीच बीच में डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं त्रिभुज से संबंधित, जिनको हमें त्रिभुज में पढ़ना है, वो है त्रिभुजों को पहले बनाएंगे, उनकी बनने की सारी कंडीशंस को डिस्कस करेंगे, दूसरा त्रिभुजों के प्रकार को नोटिस करेंगे, तीसरा
त्रिभुज में लंब और माध्य का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। सर्वांग समता का यूज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और बाद में हम त्रिभुजों की समरूपता के बारे में आपको बताएंगे। 3, 4, 5 बिंदुओं को लेकर के इस पूरे लेक्चर की शुरुआत की गई है। इन 4-5 पॉइंट्स पर ही पूरा लेक्चर आपका आधारित है। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्थिति से, जिसमें हम कह रहे हैं त्रिभुजों के बनने की स्थिति, कंडीशंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल, कि त्रिभुज बनेगा तो क्या क्या स्थिति आपके सामने उत्पन्न हो सकती है। तो सबसे पहला पॉइंट आपके पास है कि त्रिभुजों के बनने की स्थिति। चलिए एक एक करके इन चीजों को समझते हैं। मैं आपको बता दूं कि त्रिभुज बनेंगे कैसे। सबसे पहला पॉइंट जो इसमें नजर आया उसको देखिएगा। त्रिभुज में बनने के लिए जो सबसे पहली कंडीशन, मतलब आपको कोई कुछ भी बुझा दे दे और आपसे कहेगा कि क्या इससे आप त्रिभुज बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, उसकी भी अपनी एक कंडीशन होती है। कंडीशन ये होती है कि किसी त्रिभुज को तभी बनाया जा सकता है जब उस त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, मतलब किन्हीं भी दो भुजाओं का योग अन्य तीसरी भुजा से हमेशा बड़ी हो। पहली स्थिति आपके सामने बन के आएगी कि अगर मान लीजिए कोई भी त्रिभुज है आपके पास, तो त्रिभुज का निर्माण तभी पॉसिबल है या तभी संभव है जब त्रिभुज में किन्हीं भी दो भुजाओं का योग, जैसे अगर हम कहें कि ए बी प्लस बी सी, बड़ा हमेशा होना चाहिए ए सी से। इसी सीक्वेंस में अगर आपसे कहा जाए बी सी प्लस ए सी, बड़ा होना चाहिए ए बी से। इसी सीक्वेंस में हम आपसे कहें कि ए सी प्लस बी सी, बड़ा होना चाहिए ए सी प्लस ए बी, बड़ा होना चाहिए बी सी से। तो मतलब आप त्रिभुज के किन्हीं भी दो पॉइंट्स को या तीन किन्हीं भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा दर्शाएंगे, तभी त्रिभुज का बनना संभव हो पाएगा। एग्जाम में आपके कुछ ऐसे प्रश्न आ सकते हैं जैसे आपसे कहा जाएगा कि आप मुझे बताइए क्या एक त्रिभुज संभव है जब उसकी भुजाएं 1, 2 और 3 सेंटीमीटर हों। तब आपने जब सोचा कि चलिए हम एक त्रिभुज के बारे में सोचते हैं, मान लीजिए मैंने ऐसे डमी त्रिभुज बनाया, उसमें 1 रखा, यहाँ 2 रखा, यहाँ 3 रखा, जब मैंने 1 को 2 से जोड़ा तो पता चला 3 आया, जो 3 के बराबर है, जबकि आपको लिखाया गया साफ साफ कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव बड़ा हो सकता है, अर्थात इन 3 भुजाओं से आप किसी भी त्रिभुज का निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो त्रिभुज के बनने की पहली स्थिति होती है कि त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव बड़ी होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरे पॉइंट में हम आपको बताएंगे कि दूसरा पॉइंट है बी, हम बी की बात कर रहे हैं। कोई त्रिभुज का निर्माण तभी किया जा सकता है जब उसके दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होगा, तभी त्रिभुज बनाया जा सकता है। मतलब किसी त्रिभुज का निर्माण तभी संभव है जब उनकी दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा हो। जैसे मैं यहां पे लिख करके आपको दिखाऊं कि ए बी माइनस बी सी लेस होना चाहिए किससे, ए सी से। AB माइनस AC लेस होना चाहिए AC से। इसी तरह से हम यहां पे कहें कि AC माइनस BC लेस होना चाहिए AB से। इसी तरह से हम आपसे कहें कि AB माइनस AC लेस होना चाहिए BC से। तो मैं आपको जो बता रहा हूं आप उन बातों को समझिएगा। किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए। आपको जैसे बड़ा बताया गया था उसी प्रकार से छोटा भी समझना है। दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। जैसे आप अभी इसी त्रिभुज की बात करते हैं, अगर मैं आपसे कहता कि एक त्रिभुज है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर और आपसे पूछा जाए क्या इस त्रिभुज का निर्माण संभव है, तो आप अगर केवल अंतर के हिसाब से चल करके देखेंगे तो अंतर में देखा 7 और 5 का अंतर 6 से छोटा है, बिल्कुल सही है। 7 और 6 का अंतर 1 से 5 से छोटा है, 5 और 6 का अंतर भी 7 से छोटा है, अर्थात इस त्रिभुज का निर्माण संभव है। आप समझ रहे होंगे जो मैं आपको बातें बता रहा हूं। अगर हम योग के हिसाब से भी देखें तो भी आप देखिएगा 6, 7 और 5 का जोड़ 12, 6 से बड़ा होता है, 6 और 7 का जोड़ 13, 5 से बड़ा होता है, 6 और 5, 11, 7 से बड़ा होता है। लेकिन इसी क्रम में, इसी श्रृंखला में अगर मैं किसी एक अन्य भुजाओं के स्वरूप को आपके सामने प्रदर्शित करूं, देखिएगा अगर मैं किसी और त्रिभुज की बात करता हूं, जैसे मैंने कहा कि 5 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है और 8 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है और इसको हमने 1 सेंटीमीटर कर दिया, 8 की बजाय हम यहाँ पे 3 सेंटीमीटर सपोज करिए कर दे रहे हैं, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। क्या इस प्रकार से किसी त्रिभुज का निर्माण किया जा सकता है? तो अंतर पे भी आप नोटिस करोगे तो आपको दिखेगा 5 से 2 का अंतर 3 होता है, जो 3 के बराबर है।
जबकि मैंने कहा दोनों भुजाओं का अंतर, किसी भी दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब पहली जब कंडीशन फाल्स हो जाती है तो आप इस प्रकार से भी किसी भी त्रिभुज का निर्माण नहीं कर सकते हैं। आप अगर जोड़ पे भी चल के देखेंगे तो पांच दो जोड़ करके सात जो तीन से तो बड़ा है, लेकिन तीन दो जोड़ करके पांच जो पांच से बराबर है, आप बराबर हो जाए या छोटे हो जाए जब जुड़ रहे हैं तब भी त्रिभुज का निर्माण नहीं हो सकता है। अगर घट रहे हैं, आप बराबर हो गए या बड़े हो गए तो आप त्रिभुज का निर्माण नहीं कर सकते हैं। आप यहां पे समझिएगा किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से हमेशा छोटा होना चाहिए। इस बात को आप समझ पाए होंगे। तीसरी इन्हीं पॉइंट्स पे हम लोग कुछ और फैक्ट्स का डिस्कशन करते हैं, कुछ और फैक्ट्स की बात करते हैं। यहाँ पे आपको हम तीसरे पॉइंट की तरफ लेके चलते हैं। तीसरे पॉइंट में जब हम आएंगे तो आपको समझाते हैं कुछ इस प्रकार की बातें। अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हो, किसी त्रिभुज की अगर दो भुजाएं असमान हो तो जाहिर सी बात है एक भुजा बड़ी होगी दूसरी भुजा छोटी होगी। अगर सपोज करिए मैंने कहा कि ए बी जो है वो छोटी है ए सी से, आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ नजर भी आ रहा है कि ए बी जो है वो छोटी है बी सी से, सॉरी ए सी कर दो बी सी कर दो, चलिए ए सी को लेके देखते हैं। ए बी जो है छोटी है ए सी से। तो मैंने आपको बताया कि जब किसी भी त्रिभुज में दो भुजाएं असमान हो, मतलब एक छोटी हो दूसरी बड़ी हो, जैसे कि हमने इसमें देखा कि ए बी जो था वो छोटा था ए सी से, तो आपको हम बता दें बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा और छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा होता है। तो मतलब ए सी के सामने, मतलब विपरीत भी बोला जाता है, आप इसको भी याद रखिएगा, ए सी के सामने का जो कोण है वो बी होगा। तो आप यहां पर लिख सकते हैं कोण जो बी होगा, कोण बी जो होगा वो बड़ा होगा ए बी के सामने के कोण जिसका नाम क्या रहेगा सी रहेगा। कोण जो बी रहेगा कोण सी से क्या रहेगा बड़ा रहेगा। आप याद रखिएगा क्यों बड़ा है बी, क्योंकि ए सी उसके विपरीत भुजा है और ए सी बी सी से, ए बी से, ए बी क्योंकि छोटी है तो ए बी से आपकी क्या है बड़ी है, इसलिए कोण बी कोण सी से यहाँ पे बड़ा होगा। देखिए मैंने लिख दिया है यहाँ पे, ऐसे कुछ समझ लीजिए, बड़े का सिंबल है, कोण का सिंबल है, कोण बी बड़ा है कोण सी से। बातें आपको समझ में आई होगी। अगर ए बी छोटा है ए सी से तो आप लिख सकते हैं कोण सी छोटा है कोण बी से, मतलब दोनों बातों को आप समझ सकते हैं। अगर किन्हीं भी दो त्रिभुज की भुजा, त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाएं मतलब असमान है, मतलब छोटी या बड़ी है, ऐसी स्थिति में त्रिभुज में बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा और छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा होता है। ये बात भी हमको समझना बहुत जरूरी है। तो मैंने आपको त्रिभुजों के बनने की कुछ स्थितियां आपके सामने स्पष्ट की। अब हम आते हैं त्रिभुजों के प्रकार की तरफ। चलिए समझिएगा त्रिभुजों का प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुजों के प्रकार की अगर मैं बात करूं, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं जानना बहुत जरूरी है। त्रिभुजों का जो वर्गीकरण होता है, त्रिभुजों का जो बंटवारा होता है वो दो आधार पर किया जाता है। त्रिभुजों का बंटवारा दो आधार पर किया जाता है, मैं आपको समझा देता हूं। एक त्रिभुज भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर, आधार पर, दूसरा कोणों के आधार पर। त्रिभुजों का बंटवारा दो प्रकार से किया जाएगा, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। अगर मैं भुजाओं के आधार पर बात करूं तो त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में अगर हम पढ़ते जाएंगे तो सबसे पहला जो टाइप बन के आएगा आपके सामने वो होगा स्केलिन ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल, जिसको हम हिंदी में कहेंगे विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। एक ऐसा त्रिभुज जिसके बारे में एक एक करके हम समझते भी चलेंगे, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजाएं असमान हो, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजाएं असमान हो वह त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। आप देखेंगे इस प्रकार के त्रिभुज में ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, मतलब ऐसे त्रिभुज को हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं जिसकी प्रत्येक भुजाएं असमान होती हैं। तो सबसे पहला टाइप है। मैं आपको बार फिर से स्थिति स्पष्ट कर दूं कि त्रिभुज के दो प्रकार होते हैं। त्रिभुज को बांटने के लिए हम लोग त्रिभुज को भुजाओं को आधार मानते हैं और कोणों को आधार मानते हैं। सबसे पहले मैं भुजाओं को लेकर के चल रहा हूं, तो भुजाओं में सबसे पहला प्रकार है स्केलिन ट्रायंगल। बाकी इसके अन्य दो भी प्रकार है जिसको मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं, मतलब तीन प्रकार से भुजाओं के आधार पर आप त्रिभुजों का बंटवारा कर सकते हैं और तीन प्रकार से कोणों के आधार पर आप त्रिभुजों का बंटवारा कर सकते हैं। तो भुजाओं के आधार चल रहा है जिसमें पहला बंटवारा आपने किया तो उसको हम कहेंगे विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी प्रत्येक भुजाएं समान हो असमान होती हैं, तो वह त्रिभुज आपका विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। दूसरा इसी का प्रकार अगर आप पढ़ेंगे
तो आपको दूसरा जो प्रकार नजर आएगा वो कहलाएगा आइसोसेलीस ट्रायंगल, आइसोसेलीस ट्रायंगल, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में अगर हम बात करें तो समद्विबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं, जिसकी दो भुजाएं अगर समान होती हैं वह त्रिभुज आपका समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। आपने देखा कि ए बी बराबर ए सी है, आप यहां पे देख सकते हैं कि ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, अर्थात यह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज की अन्य परिभाषाओं को भी अगर हम नोटिस करें तो जो समान भुजाएं होती हैं उसके विपरीत बने कोण भी समान होते हैं, अर्थात कोण बी वही बराबर कोण सी के हो जाएगा। मतलब कोई भी त्रिभुज अगर समद्विबाहु है तो सबसे पहली चीज तो उसकी दो, कोई भी दो भुजाएं समान होती हैं, लेकिन ये भी जानना जरूरी होता है कि जो भुजाएं समान होती हैं उसके विपरीत बने कोण भी आपके क्या होते हैं, समान होते हैं। तो ये भी हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज के एक स्पेशल फैक्ट्स के रूप में। अगले प्रकार के त्रिभुज की अगर हम बात करें जिसको हम कहेंगे इंग्लिश में इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज में कई सारे फैक्ट्स नजर आते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं समबाहु त्रिभुज के बारे में आपको बता दूं कि समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजाएं समान होती है। आप इस त्रिभुज में नोटिस करेंगे तो आपको ए बी बराबर ए सी बराबर बी सी नजर आएगा, मतलब सबकी सब भुजाएं आपकी समान होती है। और इसमें कुछ और फैक्ट्स भी समझने हमको बहुत जरूरी होते हैं, कोई भी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण भी समान होते हैं, कोई भी समबाहु त्रिभुज के, क्योंकि सभी भुजाएं समान होती हैं अर्थात सभी कोण भी समान होते हैं, क्योंकि सभी कोण समान होते हैं और सब हम अच्छी तरह से जानते हैं कि सभी कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। अगर 180 अंश को तीन बराबर भागों में बांटा जाए तो प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री 60 डिग्री और 60 डिग्री होता है। किसी भी समबाहु त्रिभुज के सभी कोण 60 अंश के बराबर होते हैं, ये भी हमारे लिए एक स्पेशल फैक्ट होता है जो हमको जानकारी के लिए रखना चाहिए कि कोई भी समबाहु त्रिभुज रहेगा तो सभी तो भुजाएं समान रहेंगी रहेंगी, साथ साथ सभी कोण भी आपके समान होंगे। और समान में इतना भी जानकारी हमको हो चुकी है कि सभी कोणों का मान 60 अंश के बराबर भी होते हैं। आगे बढ़ते हैं, इस प्रकार से आपने त्रिभुज को बांटा, लेकिन किसके आधार पर, भुजाओं के आधार पर। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं और चलता हूं, त्रिभुज को बांटते हैं किसके आधार पर, कोणों के आधार पर। आते हैं हम लोग त्रिभुज का बंटवारा करते हैं कोणों के आधार पर। तो कोणों के आधार पर पहला प्रकार आपके सामने बन के आएगा जो कहलाएगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल को अगर मैं हिंदी में कहूंगा तो मैं इसे कहूंगा न्यून कोणीय त्रिभुज, न्यून कोणीय लिख सकते हैं या कोण लिख सकते हैं, कोणीय त्रिभुज। मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण होता है, मतलब सभी के सभी कोण 90 अंश से छोटे होते हैं, वह त्रिभुज आपका न्यून कोणीय त्रिभुज कहलाता है। जैसे आप मान लीजिए एक त्रिभुज नोटिस कर रहे हैं, सपोज करिए आपने एक त्रिभुज एबीसी की बात करी, अब आप यहाँ पे देखेंगे ए हो बी हो सी हो प्रत्येक कोण न्यून कोण होंगे, मतलब सारे के सारे कोण थीटा आपके 0 डिग्री से बड़े रहेंगे और 90 डिग्री से छोटे रहेंगे। तो ऐसे त्रिभुज को न्यून कोणीय त्रिभुज कहते हैं, आप इस त्रिभुज को न्यून कोण त्रिभुज कह सकते हैं क्योंकि सारे के सारे कोण आपके न्यून कोण होते हैं और सबके सब 90 डिग्री से छोटे होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा ए का मान अगर मैं ले लेता हूं 40 डिग्री, बी का मान मैंने यहां पे ले लिया 70 डिग्री या हम 60 डिग्री कह दें, तो 40 60 100 हो गया, तो इसका मतलब सी का मान 80 डिग्री के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि सभी कोणों का योग 180 अंश के बराबर भी होता है। और आपने एक चीज गौर की, सभी कोणों का मान भी 90 डिग्री से छोटे हैं और 0 डिग्री से बड़े हैं। आप देख रहे हैं 40 60 और 80 सबके सब न्यून कोण त्रिभुज है, न्यून कोण है, इसलिए इस त्रिभुज, जिस त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं उस त्रिभुज को हम न्यून कोणीय त्रिभुज कहते हैं। अगला प्रकार देखिएगा, अगला प्रकार जिसको हम कहेंगे समकोणीय त्रिभुज, समकोणीय त्रिभुज, समकोणीय त्रिभुज। चलिए समकोणीय त्रिभुज की बात करिए, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश के बराबर होता है, वह कोण जिसका एक कोण 90 अंश के बराबर होता है वह कोण आपका समकोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे आप इस त्रिभुज की बात करें, यहां पे आपने नोटिस किया कोण बी आपके पास 90 डिग्री के बराबर है, वह कोण आपका समकोण त्रिभुज है। और इसमें बात जानकारी के लिए बहुत जरूरी है,
किसी भी समकोण त्रिभुज में एक से अधिक 90 अंश के कोण नहीं हो सकते हैं। जैसे न्यून कोण में तो सबके सब 90 अंश के होते, 90 अंश से छोटे होते थे, लेकिन यहाँ पे हम आपको बताना जरूरी समझेंगे कि किसी भी कोण का मान अगर हम 90 अंश रख रहे हैं तो वह कोण केवल और केवल एक हो सकता है, एक से अधिक 90 अंश के कोण नहीं लगाए जा सकते हैं। तो कोई भी त्रिभुज तभी आपका समकोणी त्रिभुज कहलाएगा। तो ये त्रिभुज आपका समकोणी त्रिभुज कहलाया, कन्फर्म है। चलिए इसको हम लोग अगर ऐसे समझें, कुछ और परिस्थितियों की बात करें, जैसे कि आप लोग अवगत होंगे एक नियम के बारे में जिसको कहते हैं पाइथागोरस नियम। पाइथागोरस थ्योरम में आपको समकोण त्रिभुज का ही प्रयोग करके इसके बारे में कुछ तथ्यों को प्रदर्शित किया गया है, बताया गया है। जैसे उसमें यह बताया गया है कि जो समकोण के सामने की भुजा होती है उसको हम हिंदी में कर्ण कहते हैं या इंग्लिश में हाइपोटिनीस कहते हैं, कर्ण कहते हैं। शेष दो भुजाएं एक लंब दूसरी आधार कहलाती है और डिपेंड करती है अपने संगत कोणों के ऊपर। अगर हम यहाँ पे कोण थीटा मान के चल रहे हैं तो ये कोण आपका लंब कहलाएगा और इस कोण को हम लोग आधार कहेंगे। अब ऐसी स्थिति में जो नियम बताया गया पाइथागोरस के हिसाब से कि कर्ण का स्क्वायर बराबर शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के स्क्वायर वर्गों के योग के बराबर होता है, मतलब लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। फिलहाल हम लोग बहुत ज्यादा इसमें नहीं फंसेंगे, हम केवल और केवल उन्हीं बातों को करेंगे जो ज्योमेट्री से संबंधित है, जहां पे ज्यामिति का प्रयोग किया जाएगा। मतलब हम आपको केवल इतना बताना जरूरी समझेंगे कि एक कोण जिस कोण त्रिभुज में 90 अंश के बराबर होता है उस त्रिभुज को हम न्यून कोणी समकोणी त्रिभुज कहते हैं। हमें जानकारी के लिए भी जरूरी समझना होगा कि 90 अंश अगर किसी में है तो केवल एक ही कोण आपका 90 अंश हो सकता है, एक से अधिक 90 अंश नहीं हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा, हम लोग यहाँ पे अन्य त्रिभुजों के इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। तो दूसरा हो गया प्रकार, तीसरे प्रकार की बात की जाए जिसको कहेंगे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल, जिसको हम हिंदी में कहेंगे अधिक कोणीय त्रिभुज, अधिक कोणीय त्रिभुज, कोणीय त्रिभुज। एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण आपका अधिक कोण होता है, मतलब 90 अंश से भी बड़ा होता है, उस त्रिभुज को हम लोग अधिक कोणीय त्रिभुज कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज है, अब आप इसमें अगर देख सकते हैं तो एक कोण आपका 90 अंश से भी अधिक है, सपोज करिए 110 डिग्री 120 डिग्री है। ऐसी स्थिति में जो आपके पास त्रिभुज का निर्माण हुआ वो त्रिभुज आपका अधिक कोणीय त्रिभुज कहलाएगा, जिसमें एक कोण 180 अंश से छोटा तथा 90 अंश से अधिक होता है। इसमें भी इस बात को जानकारी के लिए हमें रखना जरूरी होता है कि किसी भी त्रिभुज में अगर वो त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज है तो उसमें केवल एक ही कोण होगा जो कि 180 अंश से कम तथा 90 अंश से अधिक होगा, बाकी दोनों कोण आपके न्यून कोण कहलाते हैं। तो इस प्रकार से आपने त्रिभुज के इन दोनों प्रकारों का अध्ययन किया। मैं इन दोनों प्रकारों को एक बार यहाँ पे इंडिकेट कर देता हूँ समझाने के लिए आपको, आपने चीजों को समझा है पढ़ा है। बस टाइप्स की बात की जाए तो मैंने आपको बताया त्रिभुज के दो प्रकार होते हैं, मतलब त्रिभुजों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर आपने देखा था विषमबाहु त्रिभुज, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपके टाइप्स के लिए बता दूं, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। दूसरी तरफ अगर हम लोग इधर जाते हैं तो इधर हमने आपको बताया न्यून कोणीय त्रिभुज, न्यून कोणीय त्रिभुज, समकोणीय त्रिभुज, समकोणीय त्रिभुज तथा अधिक कोणीय त्रिभुज, अधिक कोणीय त्रिभुज। इस प्रकार से हम इन छह प्रकार को लेकर के त्रिभुज का पूरा वर्गीकरण कर पाते हैं। तो त्रिभुज के वर्गीकरण को आपने अच्छी तरह से समझा, यहाँ पे जो भी टर्म्स एंड कंडीशन पॉसिबल हो सकते थे मैंने पूरा बताने का प्रयास किया। चलिए इसी श्रृंखला में आगे के पार्ट्स में बढ़ते हैं। तो आगे आपको लिखाया गया है कि अगला जो पार्ट है जो त्रिभुज के आधार पर है, त्रिभुज पे डिपेंडेंट है, वो आपका है माध्यिका तथा लंब, लंब तथा माध्यिका, जिसको इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर एंड मीडियन एंड परपेंडिकुलर ऑफ द ट्रायंगल। मीडियन इंग्लिश में अगर हम कह रहे हैं मीडियन एंड परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ऑफ ट्रायंगल, हिंदी में हम इसको कहेंगे लंब, सॉरी इसको माध्यिका कहेंगे, माध्यिका तथा लंब। किसी त्रिभुज की माध्यिका तथा लंब के बारे में हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। चलिए समझते हैं माध्यिका और लंब क्या होते हैं। माध्यिका और लंब के बारे में आपको बता दूं
कि माध्यिका क्या होती है किसी त्रिभुज में और लंब क्या होती है, इन बातों को हम लोग यहाँ पे डिटेल से देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं लंब के बारे में, माध्यिका के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं माध्यिका के बारे में। चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग यहां पे माध्यिका या मीडियम के बारे में। माध्यिका, अगर हम कोई भी त्रिभुज उठा लें, वो त्रिभुज आपका किसी भी प्रकार का हो सकता है, वो समबाहु हो सकता है, समद्विबाहु हो सकता है, समकोणीय हो सकता है, अधिकोणीय हो सकता है, किसी भी प्रकार का कोई भी त्रिभुज हो सकता है। जो आपने जितने भी वर्गीकरण किए हैं त्रिभुजों का, उनमें से कोई भी प्रकार का आपका त्रिभुज हो सकता है। अच्छा, ये भी आपको हम जानकारी के लिए आपके बता दें कि अगर हमने किसी त्रिभुज को अधिकोणीय त्रिभुज कहा तो हम उसको विषमबाहु त्रिभुज भी कह सकते हैं, उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज भी कह सकते हैं, क्योंकि उस नियमों को फॉलो करना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको समझना है कि वो अलग नहीं है, वो अलग नहीं है, किसी ना किसी करेक्टर और नेचर की वजह से उनको हम एक तरह से एक ग्रुप में भी रख सकते हैं। अगर हम किसी भी प्रकार के त्रिभुज को नोटिस कर ले, वो त्रिभुज हमारा कैसी माध्यिकाएं प्रोवाइड करता है, इसको समझना यहाँ पे जरूरी है। मैं आपको बता दूं, कोई भी त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष बिंदुओं से अगर जैसे हम ए को शीर्ष बिंदु माने, बी को माने या सी को माने, प्रत्येक शीर्ष बिंदुओं से उसके विपरीत भुजाओं को डिवाइड करने वाली, दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली रेखा आपकी माध्यिका कहलाती है। आप जब एडी एक रेखा आपने डाला जिसने जाकर के बीसी को दो बराबर भागों में डिवाइड कर दिया, तो एडी यहां पे माध्यिका हो गई। एडी क्या हो गई? माध्यिका है, एडी माध्यिका है। दूसरी तरफ इसी तरह से अगर हम दूसरे शीर्ष बिंदु बी से ले जाकर के हम सी को, एसी को दो बराबर भागों में विभाजित करें, तो यहां पे जो बी ई बनी वो भी आपकी एक माध्यिका है। तो बी ई भी क्या हो गई? एक माध्यिका है। अगर मैं तीसरी बात करूं, अगर मैं तीसरे शीर्ष बिंदु की बात करूं जो कि सी है, और सी से ले जाकर के हम इसको दो बराबर भागों में विभाजित करें, तो यहां पे अगर सपोज करिए एफ से मीट करी, तो यहां पे आपकी सी एफ भी क्या है? एक माध्यिका है। सीएफ भी एक माध्यिका है। तो तीन माध्यिकाएं आपने त्रिभुज के अंदर नोटिस किया। मतलब फिर से मैं माध्यिका की डेफिनेशन दे दूं, माध्यिका वह लाइन होती है जो त्रिभुज के किसी भी शीर्ष बिंदु से त्रिभुज के विपरीत भुजाओं पर डाली जाती है। वह रेखा होती है जो जाकर के अपने विपरीत भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित कर देती है, और किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी का अगर वो पालन कर रही हो या ना कर रही हो वो अलग मैटर है, लेकिन हमें यहाँ पे जो जानकारी देनी है वो आपको इतना बताना है कि प्रत्येक शीर्ष बिंदुओं से विपरीत भुजा पर जो रेखा पड़े और उसको भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित कर दे, तो उस शीर्ष बिंदु से उस भुजा पर डाली गई वो रेखा माध्यिका कहलाती है। ये हमारे लिए जानकारी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक चीज आपने इसमें और भी समझा कि अगर जब देखा कि त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं किसी एक बिंदु पर जाकर के आपस में मीट कर रही, मिल रही, अगर ये भुजाएं तीनों किसी ना किसी एक बिंदु पर मिल रही हैं, तो उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? उस पॉइंट को हम सेंट्रॉइड कहते हैं। सेंट्रॉइड कहते हैं, सेंट्रॉइड को हिंदी में केंद्रक कहते हैं। सेंट्रॉइड को हिंदी में हम केंद्रक कहते हैं। मतलब त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर जाकर के एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, जिस बिंदु पर एक दूसरे को मिलती हैं प्रतिच्छेद करते हुए जाते समय, वह बिंदु आपके त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है, सेंट्रॉइड कहलाता है। ये आपने यहां पे समझा और सीखा। अगले पार्ट की अगर बात की जाए, तो मैंने माध्यिका आपको समझाया। अगर मैं माध्यिका के बाद आगे बढ़ूं, अगला पार्ट हमारे इस त्रिभुज का जो होगा वो होगा लंब। लंब जिसको इंग्लिश में हम परपेंडिकुलर कहेंगे। परपेंडिकुलर, मैंने कल परपेंडिकुलर के बारे में आपको पिछले क्लास में भी आपको बताया है, जिसमें मैंने आपको बताया वह रेखा जो किसी भी आधार पर जाकर के समकोण बनाए वह परपेंडिकुलर कहलाती है और लंब कहलाती है, और लंब हमेशा दूरी की तरह निरूपित की जाती है, मतलब दूरी के रूप में जानी जाती है। जैसे अगर मैं बात करूं कि कोई भी त्रिभुज है, त्रिभुज के किसी भी शीर्ष बिंदु से, ध्यान दीजिए इसकी डेफिनेशंस की बात अगर हम लोग करते हैं, तो त्रिभुज के किसी भी शीर्ष बिंदु से विपरीत भुजा पर, शीर्ष बिंदु से विपरीत भुजा पर डाली गई वह रेखा जो जाकर के विपरीत भुजा पर समकोण बनाए, दो बराबर भागों में विभाजित करे, ऐसी कोई कंडीशन की हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं इस कंडीशन की बात कर रहा हूं कि जा करके शीर्ष बिंदु से विपरीत भुजा पर वह रेखा एक समकोण बनाए, वह रेखा आपकी लंब कहलाती है। और उसको प्रदर्शित कैसे किया जाएगा? सपोज करिए डी पे मीट कर रही है, हम लिखेंगे एडी परपेंडिकुलर ऑन बीसी। अब इस अपोजिट टी से, उल्टे टी की मदद से हम परपेंडिकुलरिटी को दिखा पाते हैं। कहने का अर्थ होता है कि एडी और बीसी के बीच समकोण बना हुआ है, तो एडी यहां पर लंब हो गई किसके ऊपर? अपने विपरीत भुजा बीसी के ऊपर। अगर हम B से एक लंब जाकर के यहाँ पे AC पे मीट कराए, तो यहाँ पे एक लंब हमारे पास BE बन गया, जिसको हम कह सकते हैं कि BE जो है वो लंब है
एसी के ऊपर, बीई जो है लंब एसी के ऊपर। इसी श्रृंखला में अगर हम लोग और आगे बढ़े तो सी को शीर्ष बिंदु बना करके अगर हम एक बिंदु ले जाकर के यहाँ पे एफ पे मीट कराए, जो भी जाकर के समकोण बनाए, तो जो सी एफ होगा वो भी परपेंडिकुलर क्या होगा, ए बी होगा। सी एफ इज ऑल्सो परपेंडिकुलर ऑन ए बी। इस प्रकार से अगर आप नोटिस कर सकते हो तो प्रत्येक शीर्ष बिंदुओं से विपरीत भुजाओं पर कोई एक रेखा है जाकर के लंब बना रही है, मतलब समकोण बना रही है, तो सारी की सारी भुजाएं आपकी क्या कहलाती हैं, लंब कहलाती हैं उस त्रिभुज की। और ऐसे लंब को हम लोग जो है, इस तरह से हम त्रिभुज की भुजाओं को लंब कहते हैं या परपेंडिकुलर कहते हैं। ये बातें आपको समझ में आई होंगी, क्लियर है। चलिए, तो लंब के आगे की स्थितियों की बात अगर हम लोग करते हैं तो उसको भी समझना हमारे लिए यहाँ पे बहुत जरूरी है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, देखिएगा आप लोगों ने जो चीज समझा है, जैसे आपने जो है मीडियन पढ़ते समय, मतलब माध्यिका पढ़ते समय जब आपने बिंदुओं की बात करी तो उनके मिलान बिंदु को हम लोग क्या कहते थे, केंद्रक कहते थे। अभी भी एक मिलान बिंदु हमको समझ में आ रहा है जिस मिलान बिंदु को हम आर्थो सेंटर कहेंगे। आर्थो सेंटर को हिंदी में हम लोग लंब केंद्र कहते हैं। आर्थो सेंटर को हम लोग में लंब केंद्र कहते हैं। अब लंब केंद्र वह बिंदु होता है जिस बिंदु पर तीन की तीनों लंब जो त्रिभुज पे बनाए जा सकते हैं, तीन की तीनों बिंदुओं को जाकर के भुजाओं पे डाला जाए, मतलब विपरीत भुजाओं पे डाला जाए, तो जो मिलान बिंदु तीनों का होता है जैसे वहां पे केंद्रक होता था, उसी श्रृंखला में यहां पर आपका लंब केंद्र भी होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग आर्थो सेंटर कहते हैं। इन्हीं से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को भी डिस्कस करना यहाँ पे बहुत ही जरूरी है। तो जिन महत्वपूर्ण तथ्यों की बात अगर हम करने जा रहे हैं, जैसे हम आपको बताते हैं, मान लीजिए किसी समबाहु त्रिभुज की बात करें, ये कुछ पॉइंट्स की बात कर रहे हैं हम लोग। किसी समबाहु त्रिभुज में अगर देखा जाए, समबाहु त्रिभुज को अगर मैं नोटिस करूं, आप सबको पता है समबाहु त्रिभुज की इंफॉर्मेशन कि सभी की सभी भुजाएं समान होती हैं। समबाहु त्रिभुज है तो सबकी सब भुजाएं समान होती है। तो अगर किसी समबाहु त्रिभुज में देखें तो माध्यिका और लंब दोनों समान होते हैं। माध्यिका जो होती है वही आपकी लंब भी होती है। मैं आपको बता दूं, जो रेखा यहां पर विपरीत भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित करेगी, विपरीत भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित करेगी, वही रेखा यहाँ पे समकोण भी बनाएगी। जो रेखा यहां से जाकर के इसको दो समकोण बनाएगी, वही दो इसको बराबर भागों में विभाजित भी करेगी। इसी प्रकार से यहां से भी जो रेखा जाकर के इसके ऊपर समकोण बनाएगी, वो दो बराबर भागों में विभाजित भी करेगी। अर्थात हमें समझ पाए हैं कि कोई भी अगर समबाहु त्रिभुज होगा तो उसकी ऊंचाई, मतलब लंब और माध्यिकाएं दोनों समान होती हैं। अर्थात हमें भी कह सकते हैं कि जो उनके लंब केंद्र होंगे और केंद्रक होंगे वो भी दोनों आपके समान होंगे। मतलब केंद्रक भी वही होगा तो लंब केंद्र भी वही होगा, तो जो लंब केंद्र होगा वही आपका केंद्रक भी कहलाएगा। ये भी जानकारी हमको यहाँ पे स्पष्ट हुई कि किसी समबाहु त्रिभुज में लंब केंद्र और केंद्रक भी आपस में समान होते हैं। साथ साथ मैंने आपको बताया कि माध्यिका और लंब भी आपस में समान होते हैं। दूसरी स्थिति की बात मैं आपसे स्पष्ट कर दूं, एक सेकंड पॉइंट की बात करने जा रहा हूं। किसी समद्विबाहु त्रिभुज में अगर मैं बात करूं, जहां पे आप सबको पता है कि दो भुजाएं ही समान होती हैं, अगर हम कह रहे हैं एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान है, वही तो समद्विबाहु है। अगर मैं समद्विबाहु त्रिभुज की बात कर रहा हूं तो समद्विबाहु त्रिभुज में जो समान भुजाएं होती हैं उनके बीच के शीर्ष बिंदु से जो विपरीत भुजा पर लाइन जारी जाती है, तो जो आपकी माध्यिका भी होगी साथ साथ आपकी लंब भी होगी। मतलब क्योंकि एडी को मैंने देखा कि एडी यहां पर माध्यिका है, साथ साथ मैं आपको बता दूं माध्यिका के साथ साथ एडी लंब भी है एसी पर, बीसी पर। एडी लंब भी है बीसी पर। मैंने आपको जो बताने का प्रयास किया उसको समझिएगा। अगर कोई समबाहु त्रिभुज होगा तो समबाहु त्रिभुज के समान भुजाओं के बीच से स्थित बिंदु से, शीर्ष बिंदु से विपरीत भुजा पर डाली गई लंब की लंबाई और माध्यिका दोनों समान होती है। लंब की लंबाई और माध्यिका दोनों आपस में समान होती है। ये बात आपको समझना बहुत जरूरी है, बाकी अन्य भुजाओं से नहीं होगा। अगर ये दोनों भुजाएं विपरीत हैं, असमान है, तो यहां से जो लंब होगा और माध्यिका दोनों समान नहीं होंगी। लेकिन ये बात आपको स्पष्ट कर दूं कि अगर समान भुजाओं के विपरीत शीर्ष बिंदु से अगर हम कोई एक लंब डाल रहे हैं विपरीत भुजा पर, जो लंब होगी वही आपकी माध्यिका भी कहलाएगी। ये बात आपने समझी होगी। चलिए, इस प्रकार से आपने त्रिभुजों के संबंधित लंब और माध्यिका के बारे में अच्छी तरह से पढ़ा। अब आगे हम बढ़ते हैं त्रिभुज के अन्य की तरफ, पार्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। जो अन्य पार्ट आपका
जो त्रिभुज के बारे में लिखाया गया, जिसको हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्रायंगल, और आपको सिमिलरिटी भी लिखाया गया, तो दोनों के बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल डिस्कशन करते हैं। चलिए अगला पार्ट है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों की सर्वांग समता, त्रिभुजों की सर्वांग समता। अब मैं आपको त्रिभुज की सर्वांग समता के बारे में समझाता हूं, मेरी बात को गौर करिएगा। केवल त्रिभुज ही सर्वांगसम नहीं होते हैं, कोई भी दो चित्र सर्वांगसम हो सकते हैं, कोई दो वस्तुएं सर्वांगसम हो सकती हैं। सर्वांगसम को अगर हिंदी में मैं बोलूं तो मैं सिंपल सा कह दूं कि सर्व अंग समान, मतलब अगर सभी अंग समान होते हैं तभी वह आकृति, वह बिंदु, वह वस्तु सर्वांगसम कहलाती है। एक कमरा दूसरे कमरे के सर्वांगसम हो सकता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सर्वांगसम हो सकता है, एक कोई भी चीज दूसरे चीज के सर्वांगसम हो सकती है, अगर उनके प्रत्येक अंग समान हो। अंगों की बात की जाए तो अंग मतलब जैसे अगर हम ह्यूमन होते तो हमारे हाथ पैर इस तरह की चीजें होती हैं जिससे कि हम दूसरे के साथ अपने को कंपेयर कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर एक रूम की बात की जाए तो इसमें अपनी एक लंबाई होती, चौड़ाई होती, इसी प्रकार से एक अन्य रूम भी होगा, उसकी भी अपनी एक लंबाई होगी और अपनी एक चौड़ाई होगी। तो उसका भी अगर हम समानता देखें उनके बीच में, उनके भुजाओं के बीच में, तो वो भी आपके समान होने चाहिए। अगर वो समान है तो जाहिर सी बात है सर्वांगसम है। तो हम यहाँ पे बाकी चीजों के बारे में डिस्कस ना करते हुए केवल त्रिभुजों की बात करें तो दो त्रिभुज अगर सर्वांगसम होंगे तो त्रिभुज के प्रत्येक अंग समान होंगे। अब अंगों की बात की जाए तो त्रिभुज में दो मुख्य अंग होते हैं, एक त्रिभुज की भुजाएं और दूसरे त्रिभुज के कोण। त्रिभुज अगर सर्वांगसम है, सपोज करिए मैंने नोटिस किया कि दो त्रिभुज है एबीसी और दूसरे त्रिभुज का नाम अगर मैंने कहा पी क्यू आर, अगर एबीसी त्रिभुज पी क्यू आर के सर्वांगसम है तो जाहिर सी बात है त्रिभुज एबीसी को अगर मैं ऐसे प्लान करके आपको बताऊं, ये त्रिभुज एबीसी है, ये त्रिभुज आपका एबीसी है और एक अन्य त्रिभुज भी आपके सामने है जिस त्रिभुज का नाम सपोज करिए पी क्यू आर है, ये दोनों तभी सर्वांगसम होंगे, इस सर्वांगसम का सिंबल होता है जब त्रिभुज के प्रत्येक संगत भुजाएं आपस में समान हो, प्रत्येक संगत कोण भी आपस में समान हो। भुजाओं की बात करें, जैसे मैंने अगर कहा कि ए बी जो भुजा है वो पी क्यू के बराबर है, मतलब ए बी भुजा पी क्यू के बराबर है, तो ए बी के विपरीत कोण जो सी रहेगा वो पी क्यू के विपरीत कोण आर के भी बराबर होगा, अर्थात कोण जो सी होगा वो कोण आर के बराबर होगा। दूसरी बात, अगर मैंने कहा त्रिभुज की विपरीत भुजा बी सी त्रिभुज की भुजा दूसरे त्रिभुज भुजा क्यू आर के बराबर है, मतलब बी सी अगर बराबर है क्यू आर के, तो अर्थात बी सी के विपरीत बना कोण कोण ए जो होगा वो क्यू आर के विपरीत बने कोण पी के बराबर होगा। इसी श्रृंखला में अगर मैं अन्य भुजा एसी की बात करूं कि जो एसी है वो बराबर पी आर है, एसी अगर बराबर पी आर है तो एसी के विपरीत बना कोण बी, एसी के विपरीत बना कोण बी पी आर के बने विपरीत कोण विपरीत बने कोण क्यू के बराबर होगा, तो मतलब कोण जो बी होगा वो कोण क्यू के बराबर। तो कहने का अर्थ हुआ कि कोई दो त्रिभुज तभी सर्वांगसम होते हैं जब उनकी प्रत्येक भुजाएं और प्रत्येक कोण आपस में समान होते हैं। तो त्रिभुज के इस नियम को समझा आप लोगों ने, जिसमें आपको बताया गया कि त्रिभुज कभी सर्वांगसम कब होते हैं। त्रिभुज तभी सर्वांगसम हुए जब उनके प्रत्येक संगत भुजाएं और प्रत्येक संगत कोण आपस में समान हुए। लेकिन हमेशा हमें, अब जब हमें जो क्वेश्चन दिया जाएगा एग्जाम में, तो ऐसी बात थोड़ी बताई जाएगी सबके सब आपको बराबर कर देगा, तो आपके लिए क्वेश्चन की टेक्निकलिटी ही खत्म हो गई। क्वेश्चन तो टेक्निकल तब माना जाता है जब उसमें कुछ इस प्रकार की चीजें हमारे सामने बन के आए कि कुछ भुजाएं आपको दी गई हों, कुछ भुजाएं या कुछ कोण दिए गए हों और आपको पहचान करके उत्तर देना है, मतलब सर्वांगसमता के आधार पे आपको कंपेयर करके बताना है, तो आप तो सर्वांगसम होने के लिए ही अपने आप को श्योर करोगे कि सर्वांगसम है कि नहीं है। होगा तभी जब आपकी संगत भुजाएं और संगत कोण समान होंगे। उनकी कुछ क्राइटेरिया होती है समझने की, उन्हीं क्राइटेरिया के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखिएगा आगे सर्वांगसमता की स्थिति, मैं जो आपको बातें बताने जा रहा हूं उसको समझिएगा। सर्वांगसमता की स्थिति, सर्वांगसमता की स्थिति मतलब हम कुछ लेस इंफॉर्मेशन से ही, मतलब सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी गई है, आपको कुछ ही भुजा और कोण के बारे में आपको जानकारी दी गई है, आपको वही देख करके वही समझ करके आपको इस बात का अनुमान लगाना है, इस बात को श्योर करना है अपने आप को कि त्रिभुज हमारा सर्वांगसम है कि नहीं है। तो उन्हीं की बात हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बिंदु की तरफ देखें, तो सबसे पहली क्राइटेरिया होती है जिसको हम लोग कहते हैं यस यस यस,
यस 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 को हिंदी में इंग्लिश में कहेंगे साइड साइड और साइड 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 और साइड। हिंदी में आप इसको पढ़ सकते हैं भुजा 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 और भुजा। मतलब अगर किसी भी दो त्रिभुज में तीन की तीनों भुजाएं संगत भुजाएं आपस में समान हो जाए, तो वह त्रिभुज आपका सर्वांग सम त्रिभुज कहलाएगा। जैसे हमने कहा त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पी क्यू आर के अगर कुछ इस प्रकार से हो कि ए बी बराबर हो जाए पी क्यू के, बी सी बराबर हो जाए क्यू आर के, ए सी बराबर हो जाए पी आर के, ऐसी स्थिति में त्रिभुज एबीसी जो होगा वो सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के, और इसका जो रीजन आप देंगे वो रीजन हो गया कि भुजा भुजा भुजा। अगर किसी भी त्रिभुज की तीन संगत भुजाएं आपस में समान हो गई हैं तो वह त्रिभुज श्योर सर्टेन आपका सर्वांगसम होगा। अगर वो सर्वांगसम होगा इन केस अगर इस त्रिभुज में इस कोण का मान 78 डिग्री दिया गया है, और आपसे इस कोण का मान पूछेगा तो आप इसको भी 78 डिग्री ही बताएंगे। और इसका रीजन होता है सीपीसीटी। सीपीसीटी मतलब करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, मतलब जितने भी संगत पार्ट होते हैं किसी भी समबाहु त्रिभुज के वो सब समान होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि अगर त्रिभुज हमारे तीनों दोनों सर्वांगसम थे इस आधार पर कि उनकी सभी संगत भुजाएं समान हैं तो उनके सभी संगत कोण भी आपस में समान होंगे सीपीसीटी के आधार पे। मतलब कोण ए जो होगा कोण पी के बराबर होगा, कोण जो बी होगा कोण क्यू के बराबर होगा, कोण जो सी होगा वो कोण आर के बराबर होगा। इसी श्रृंखला में आपने 78 डिग्री को सी के बराबर कर दिया तो मतलब आपको समझ में आया होगा कि ट्रिपल एस के आधार पे हम कह सकते हैं कि दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं। चलिए आगे की बात करते हैं हम लोग। सेकंड पॉइंट, ये पहला पॉइंट आपने पढ़ा जिसमें आपने एसएसएस के बारे में जानकारी रखी। दूसरे पॉइंट की तरफ देखते हैं। दूसरा पॉइंट अगर आप नोटिस करिए जिसको हमने नाम दिया एसएएस, एसएएस को इंग्लिश में कहेंगे साइड एंगल साइड, हिंदी में आप कह सकते हैं भुजा कोण भुजा, अब आप समझिए जैसे मान लीजिए कोई एक त्रिभुज है एबीसी, सपोज करिए त्रिभुज एबीसी है और एक दूसरा अन्य त्रिभुज है जिसको हमने कह दिया त्रिभुज पी क्यू आर, फिर उसी क्रम में त्रिभुज पी क्यू आर। आपने नोटिस किया जो क्रम उसने बताया है, जो श्रृंखला जो उसने सीक्वेंस बताया है, सपोज करिए कोण भुजा ए बी भुजा पी क्यू के बराबर है, मतलब ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर है, इनके बीच का एक कोण बी कोण क्यू के बराबर है, कोण जो बी है कोण क्यू के बराबर है, और साथ साथ लगी हुई भुजा बी सी भुजा क्यू आर के बराबर हो गई, भुजा बी सी जो है भुजा क्यू आर के बराबर हो गई, तो आपने यहाँ पे पढ़ा भुजा कोण भुजा, अगर ये श्रृंखला कहीं फॉलो हो रही है तो दोनों त्रिभुज आपके सर्वांगसम हो जाएंगे, त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम, त्रिभुज पी क्यू आर हो जाएगा। अगर जब आपने सर्वांगसमता दिखा ही दी, तो आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे जो बचे भाग होंगे चाहे वो भुजाएं हो चाहे वो कोण हो वो भी आपकी सीपीसीटी से जो करस्पॉन्डिंग पार्ट का नियम होता है उसके आधार पे समान हो जाएंगे। मतलब कोण ए जो होगा कोण पी के बराबर हो जाएगा, एसी जो भुजा होगी वो आपकी पीआर के बराबर हो जाएगी, साथ साथ जो कोण आर होगा वो कोण सी के बराबर हो जाएगा। तो मतलब जितने भी करस्पॉन्डिंग पार्ट बचेंगे तीन के बारे में इंफॉर्मेशन आप खुद दे रहे हैं, बने जो बचे हमारे तीन भाग रहेंगे वो सब के सब भी आपस में आपके समान हो जाएंगे। इस श्रृंखला को इस नियम को एसएएस कहते हैं जिसको साइड एंगल साइड कहा जाता है। अगले नियम की बात करते हैं। तीसरा नियम, तीसरे नियम में आप कह सकते हैं आपने पढ़ा एसएसएस, आपने पढ़ा एसएएस, आप यहां पे पढ़ेंगे एएसए। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल आप हिंदी में पढ़ सकते हैं कोण भुजा कोण, अब आप इसको अगर किसी त्रिभुज पर दर्शाएं तो कुछ इस प्रकार से चीजें बनेंगी। मान लीजिए त्रिभुज मेरे पास एक एबीसी है, और एक अन्य त्रिभुज मेरे पास पी क्यू आर है, अब आप इस त्रिभुज के सर्वांगसम कैसे बता सकते हैं? आप इस नियम को फॉलो करिए। सपोज करिए मैंने कहा ए कोण इस कोण के बराबर है, ए भुजा इस भुजा के बराबर है, ए भी कोण इस कोण के बराबर है, तो आप यहां पे कह सकते हैं ए एस
ए, एस ए मतलब एंगल साइड एंगल, जिसको हम कह सकते हैं कि भुज कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण के आधार पे दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे। अगर ये सर्वांगसम हो गए तो बचे जितने भी भाग होंगे, जैसे कि बी सी बराबर क्यू आर हो जाएगा, बी सी बराबर क्यू आर हो जाएगा, बचा भाग में कोण भी है, कोण सी बराबर कोण आर हो जाएगा, कोण सी बराबर कोण आर हो जाएगा, और भुजा एसी बराबर आपकी भुजा पीआर हो जाएगी, भुजा एसी बराबर भुजा पीआर हो जाएगी। इस प्रकार से आप तीन इंफॉर्मेशन तो आप खुद देते हैं, तीन इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं। जैसे ही आप इस चीज को अप्लाई करेंगे, इस आधार पे हमने आपको श्योर करेंगे कि ये त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है। तो मैंने आपको बताया एस एस एस, मैंने आपको बताया एस ए एस, मैंने बताया ए एस ए। आगे देखिएगा अगला पार्ट, चौथा नंबर आप पढ़िएगा ए एस, ए एस इसको कहेंगे एंगल एंगल साइड, इंग्लिश में आप कह सकते हैं एंगल एंगल साइड, हिंदी में कहिए कोण कोण भुजा, कोण कोण भुजा। आप अगर इस नियम को बात करो, देखिएगा समझिएगा, अगर मैंने एक त्रिभुज लिखा एबीसी, एक त्रिभुज मैंने लिया एबीसी, मैंने दूसरा त्रिभुज यहां पे लिया पीक्यूआर, मैंने दूसरा त्रिभुज यहां पे लिया पीक्यूआर, तो आप यहां पे हम बता दें हम आपको कि अगर किसी भी स्थिति में, अगर किसी भी स्थिति में एक कोण ए कोण पी के बराबर है, कोण ए कोण पी के बराबर है, अगला कोण बी कोण क्यू के बराबर है, कोण बी कोण क्यू के बराबर है, मतलब कोण ए आपका कोण पी के बराबर था, कोण बी जो था वो कोण क्यू के बराबर था, और साथ साथ उनसे जुड़ी हुई कोई भुजा, सपोज करिए ए सी बराबर हो जाए पी आर के, या हम कह दें कि बी सी जो है वो बराबर हो जाए क्यू आर के, बी सी बराबर हो जाए क्यू आर के, ऐसी स्थिति में आप पाएंगे कि आपने अप्लाई किया है AAS, जिसको कहते हैं एंगल एंगल साइड। तो ऐसी स्थिति में भी ये दोनों त्रिभुज आपके सर्वांगसम हो जाएंगे, जो हमने आप स्थिति निकाली, और इस सर्वांगसमता के आधार पे जो बचे भाग रहेंगे वो भी आप बराबर कर सकते हैं, जैसे कि भुजा AC को बराबर कर सकते हैं भुजा BR के, हम कोण C को बराबर कर सकते हैं कोण R के, साथ साथ हम जो है भुजा AB को जो बीच में है उसको बराबर कर सकते हैं भुजा PQ के। तो जो तीन इंफॉर्मेशन आपने दी और तीन इंफॉर्मेशन हमने निकाली, तो दोनों के आधार पे हम इस त्रिभुज को समझ पाएंगे, त्रिभुज को क्लियर कर पाएंगे कि दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांगसम है, आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। चलिए एक इसका लास्ट भाग आपके पास बनेगा, उस लास्ट भाग को भी नोटिस करिए, पांचवा अंतिम भाग इसका, जिसको हम कहेंगे पांचवें भाग की बात अगर हम करें, जिसको हम कहेंगे आरएचएस, आरएचएस को इंग्लिश में कहा जाए राइट हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस साइड। आप अगर इंग्लिश में कहें तो भुजा सॉरी समकोण, समकोण कर्ण और भुजा, ये किसी समकोण त्रिभुज की बात पे डिपेंडेंट होता है। अगर मान लीजिए मेरे पास दो समकोण त्रिभुज हैं, एक समकोण त्रिभुज मेरा एबीसी है, एक समकोण त्रिभुज मेरा एबीसी है, दूसरा समकोण त्रिभुज मेरे पास एक पीक्यूआर है, दूसरा समकोण त्रिभुज मेरे पास पीक्यूआर है। अगर यहाँ पे एक कोण 90 है, ए भी कोण यहाँ पे 90 है, हमने देखा कि कोण बी तो बराबर हो गया कोण क्यू के, क्योंकि दोनों बराबर है 90 डिग्री के। दूसरी बात, यहाँ पे दोनों की कर्ण बराबर हो जाए, सपोज करिए कर्ण ए बी बराबर हो जाए कर्ण कर्ण ए सी बराबर हो जाए कर्ण पी आर के, कर्ण ए सी बराबर हो गया कर्ण पी आर के। अब इनमें से कोई जो दो भुजाएं बची हैं, इन दोनों में से कोई भी एक, दो भुजाओं में से कोई भी एक भुजाओं का पेयर आपस में बराबर हो जाए, सपोज करिए बीसी बराबर हो गई क्यू आर के, जरूरी नहीं आपकी एबी भी बराबर हो सकती थी पीक्यू के, मतलब कोई भी एक भुजा दूसरे भुजा के समान हो जाए। हमने देखा कि एसी बराबर हो गया पी आर के, और यहाँ पे अभी अभी हमने बताया कि बीसी बराबर हो गया क्यू आर के। ऐसी स्थिति में आरएचएस अप्लाइड होता है, राइट हाइपोटेनियस साइड अप्लाइड होता है, और दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं। अब जब सर्वांगसम हो गए तो राइट जो आपका करस्पॉन्डिंग पार्ट का कॉन्सेप्ट होता है वो भी अप्लाइड होगा, मतलब जो बचे भाग रहेंगे वो भी आपके बराबर हो जाएंगे, जैसे कोण ए बराबर कोण बी हो जाएगा, कोण सी बराबर कोण आर हो जाएगा, भुजा जो आपकी बची है ए बी भुजा पी क्यू के बराबर हो जाएगी। ये आपको इस आधार पे निकाल करके इसको भी दिखा सकते हैं। ये आपके सर्वांगसमता का कंप्लीट पोर्शन था। सर्वांगसमता के बाद आपका अगला टॉपिक आता है, जिसको हम कहेंगे समरूपता, और यही त्रिभुज का अंतिम भाग होगा। चलिए देखते हैं समरूपता के बारे में, त्रिभुजों की समरूपता, त्रिभुजों की समरूपता।
जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग त्रिभुजों की समरूपता को, सिमिलैरिटी ऑफ द ट्रायंगल्स, सिमिलैरिटी ऑफ द ट्रायंगल, ऑफ ट्रायंगल्स। इसके डिटेल डिस्कशन हम इसके बारे में करते हैं। दो चीज समरूप होना और दोनों चीजों के समान होने में अंतर होता है। समान होना मतलब बराबर होना, एकदम से बराबर होना समान होता है, जिसको सर्वांगसम पढ़े हैं लोग। समरूप होना मतलब एक ही तरह से होना, एक ही तरह होना मतलब उनके शेप का इक्वल होना, ढांचे का इक्वल होना, वो समरूपता कहलाता है। दोनों चीजें छोटी हो, बड़ी हो, समान हो, असमान हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन समरूप होने के लिए उन दोनों के शेप को बराबर होना जरूरी होता है। दो त्रिभुज अगर समरूप होंगे तो आपको हम बताते हैं दोनों का जो सारे एंगल रहेंगे, मतलब उनके जो शेप बनते हैं एंगल पे डिपेंडेंट होते हैं। मैं किसी भी दो फिगर की बात करता हूं, जैसे एक हेलीकॉप्टर, उसका एक छोटा खिलौने का फार्म, एक बड़ी सी बिल्डिंग, उसका एक छोटा सा मॉडल, एक कार सड़क पे चल रही, एक खिलौने का रूप। इस प्रकार के दो एक फिगर जो हम डिस्कशन जिनके बारे में कर रहे हैं आपस में समरूप होते हैं, क्योंकि उनका वो पोर्शन जो ऊपर की तरफ बहुत बड़ा है वो छोटे की तरफ, मतलब छोटे में बहुत छोटे से दर्शाया गया है। तो दोनों फिगर एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, समरूप कहलाते हैं। तो समरूपता में देखिए, सर्वांगसमता में साइज और शेप दोनों का इक्वल होना जरूरी होता था, समरूपता में केवल और केवल शेप का इक्वल होना जरूरी होता है। तो हम आपको बता दें दो त्रिभुज समरूप होते हैं, दो त्रिभुज, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, या हम समरूप कहलाते हैं। कब कहलाएंगे बता दें, इफ ट्रायंगल एबीसी, देखिए डिनोट कैसे किया गया, एबीसी डिनोटेड बाय ट्रायंगल पी, अगर सपोज करिए हमने ट्रायंगल एबीसी लिया और ट्रायंगल पी की वार लिया, तभी समरूप होंगे। जैसे हमने एक त्रिभुज एबीसी यहां बना दिया, ध्यान दीजिएगा सब लोग, और दूसरा एक त्रिभुज पी की वार थोड़ा सा उससे बढ़ के बनाया है। अभी यहां पे इस त्रिभुज का नाम त्रिभुज पी की वार है और दूसरे वाले त्रिभुज का नाम त्रिभुज एबीसी था। अब हम इन दोनों त्रिभुजों को समरूप तब कहेंगे जब पहले पॉइंट प्रत्येक संगत कोण समान हो, संगत कोण समान हो, संगत कोण समान हो, संगत कोण समान हो, मतलब जैसे हमने कहा कोण ए बराबर हो जाए कोण पी के, कोण बी बराबर हो जाए कोण क्यू के, कोण सी बराबर हो जाए कोण आर के। मतलब आपने देखा कि ए पी के बराबर है, बी क्यू के बराबर है और सी आर के बराबर है, तो प्रत्येक संगत कोण आपस में समान है। प्रत्येक संगत कोण अगर समान है, साथ साथ दूसरा पॉइंट हम जो लिखने जा रहे हैं उसको भी समझने की जरूरत हो, संगत भुजाएं समानुपाती हो, ध्यान दीजिएगा संगत भुजाएं समानुपाती हो, समानुपाती हो, संगत भुजाएं समानुपाती होने का मतलब क्या, समान अनुपात में हो। जैसे सपोज करिए अगर एक सेंटीमीटर दिया हो और एक दो सेंटीमीटर दिया हो, अगर तीन सेंटीमीटर दिया हो तो छह होना चाहिए उसके रिस्पेक्ट में, अगर पांच होगा तो उसके रिस्पेक्ट में दस होना चाहिए। कहने का मतलब हुआ कि जब कभी भी जो सीक्वेंस बढ़े उस सीक्वेंस के हिसाब से समानुपाती होने का मतलब होता है कि उनका जो रेशियो बने वो समान बने। जैसे हम लिख दें यहां पे कि ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू बराबर होना चाहिए बी सी अपान क्यू आर के, बराबर होना चाहिए एसी अपान पी आर के, मतलब उनके संगत भुजाओं का समानुपाती होना कंपलसरी है। दो त्रिभुज अगर समरूप हैं तो दो स्थितियां हमारे सामने जरूर क्लियर होनी चाहिए। पहली स्थिति ए कि उनके सभी संगत कोण समान हो, दूसरी स्थिति ए उनके सभी संगत भुजाएं समानुपाती हो। समानुपाती में आपने जैसे यहां पे बातों को समझा, जैसे अगर मैं कह दूं कि पांच है तो ये यहां पे दस है, इनकेस अगर ए यहां पे पंद्रह है, अगर यहां पे पंद्रह है तो यहां पे 30 हो, अगर यहां पे 12 है तो यहां पे 24 हो। अब आप देखिएगा 5 बटा 10 बराबर होगा 15 बटा 30 के, बराबर होगा 12 बटा 24 के, सबके मान 1 बटा 2 के बराबर हो रहे हैं, अर्थात ये दो त्रिभुज आपके समरूप त्रिभुज कहलाए। तो दो त्रिभुज समरूप तभी हुए जब उनके संगत भुजाएं समानुपाती हो, जब उनकी संगत कोण समान हो। अगर इसकी पहचान हम करना चाहते हैं, भाई ऐसे इंफॉर्मेशन पूरी दे दिया तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं आई, अगर आपको इसको भी पहचान करना है कि दो त्रिभुज आपके समरूप कब है, तो समरूपता की स्थिति मैं आपको बता देता हूं। समरूपता की स्थिति यह है कि दो, इसमें एक क्राइटेरिया होता है, बाकी एस 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 भी अप्लाइड होता है, लेकिन हम बहुत ज्यादा नहीं, हम केवल एक क्राइटेरिया की बात करेंगे जिसको कहेंगे ए ए क्राइटेरिया। ए मतलब एंगल, एंगल अगर किन्हीं भी दो त्रिभुजों के केवल दो कोण आपको इक्वल दिख गए, दो कोण आपको इक्वल दिख गए, इसको कोण कोण कहते हैं। अगर मान लीजिए एक त्रिभुज ए था जिसका नाम सपोज करिए एबीसी था, एक त्रिभुज आपके पास ए और था जिसका नाम था पी क्यू आर,
PQR। अगर आपको किसी आधार पे आपने इतनी बात समझ ली कि जो कोण A है वो कोण P के बराबर है, आपने ये समझ लिया कि कोण जो B है वो कोण Q के बराबर हो गया, आप दो कोणों के बारे में इंफॉर्मेशन केवल दे पा रहे हैं कि कोण A बराबर कोण P है, कोण B बराबर कोण Q है, तब आप इतने से ही कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC जो है वो समरूप है त्रिभुज PQR के। त्रिभुज ABC समरूप है क्योंकि ऑटोमेटिकली आप सबको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग सस्यंश होता है, अर्थात यहाँ पे इस कोण का योग इस कोण का मान इस कोण के मान के ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा क्योंकि दोनों कोण जो उसके त्रिभुज के थे वो सबके सब आपस में समान थे। तो आप इस तरह से चीजों को समझा सकते हैं, दर्शा सकते हैं। तो आपने बताया कि दो त्रिभुज तभी समरूप होते हैं तब जब उनके प्रत्येक संगत कोण आपस में समान होते हैं, तो त्रिभुज आपके समरूप कहे जाते हैं। हाँ, अगर ये समरूप हो गए तो तुरंत हम बता देंगे कि संगत भुजा, जैसे ए के अपोजिट भुजा देखिए क्या है, बीसी, तो आप लिख सकते हैं बीसी, क्योंकि ए के बराबर पी थी तो बी की भुजा विपरीत भुजा होगी क्यू आर, उसी रिस्पेक्ट में हमने बी को नोटिस किया जो कि क्यू के बराबर थी तो बी के अपोजिट होगा ए सी, तो उसी सिक्वेंस में क्यू के अपोजिट होगा पी आर, तो बचा मेरे पास सी, सी के अपोजिट यहाँ पे ए सी है, जाहिर सी बात है आर के अपोजिट ए क्यू पी क्यू के समान, ए आपका सर्वम समरूपता को प्रदर्शित कर रहा है। समरूपता में ही एक दो पॉइंट्स और भी है, उसको भी आप क्लियर कर लीजिए तो चीजें आपकी फाइनल हो जाए। चलिए इनको भी समझते हैं हम लोग, समरूपता किन बातों को समझा। समरूपता में क्षेत्रफल का संबंध देखिए, समरूपता से क्षेत्रफल का संबंध, क्षेत्रफल का संबंध मैं आपको बता दूं, अगर दो त्रिभुज समरूप हैं, इनकेस अगर ट्रायंगल एबीसी समरूप है ट्रायंगल पीक्यूआर के, तो मैं आपको बता दूं, जैसे आपने ऐसे सोचा कि एक त्रिभुज एबीसी था एक त्रिभुज पीक्यूआर था, आपको बताया गया कि त्रिभुज जो एबीसी है वो समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के, अगर ऐसा है तो मैं कह सकता हूं कि एरिया मतलब त्रिभुज एबीसी का एरिया, ट्रायंगल एबीसी त्रिभुज एबीसी का एरिया बटा त्रिभुज पीक्यूआर का एरिया, त्रिभुज एबीसी का एरिया बटा त्रिभुज पीक्यूआर का एरिया बराबर हो जाएगा किन्हीं भी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। जैसे कि हम लिख सकते हैं एबी बटा पीक्यू लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एसी बटा पीआर लिख सकते हैं, हम बीसी बटा क्यूआर लिख सकते हैं। तो आपको मैंने बताया कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके किसी भी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, उनके किन्हीं भी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर। अगर मान लीजिए इसका क्षेत्रफल था 16, सपोज करिए इसकी एक भुजा थी 2, इसकी एक भुजा थी यहाँ पे 3, तो आपसे पूछा संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा, सॉरी वर्गों के अनुपात के बराबर होगा, ध्यान दीजिएगा। तो मुझसे अगर पूछा जाए कि इसका क्षेत्रफल सपोज करिए मुझे दिया गया 16, इसकी एक भुजा दी गई 2, इसकी भुजा है 3, तो मान लीजिए इसका क्षेत्रफल हमसे पूछा गया तो हम तुरंत लिखेंगे 16 बटा x, क्योंकि इसका क्षेत्रफल हमको नहीं पता है, बराबर 2 का वर्ग बटा 3 का वर्ग। तो आपको पता है कि 16 बटा x बराबर 2 दूना 4 होगा, 3 तिया 9, 4 चौके 16 होगा, 4 9 36, तो x का मान 36 सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी यूनिट दी रहेगी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको पता चल जाएगा। तो मैंने आपको बताया, फिर से मेरी बात को गौर करिएगा, किन्हीं भी दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, तो ये आपको चीजें समझ में आई होगी। अगर हम ये भी कह दें, मेरी ये बात यहां पे समझिएगा बस अंतिम दौर पे हम लोग इस चीज के, यहां पे अगर हम ये भी कह दें कि दो त्रिभुज समरूप है, सपोज करिए दो त्रिभुज आपके समरूप है, दो त्रिभुज आपके एबीसी और पीक्यूआर अगर आप मान लीजिए समरूप हैं, तो हम यहां पे कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, सपोज करिए यहां पे कुछ माध्यिकाएं डाली गई हैं, ये माध्यिका है, जाके इसको इसको दो बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है, ये भी माध्यिका है, जाके इसको भी दो बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है, सपोज करिए एडी है और ये PE है, कोई भी माध्यिका हो, चाहे आपकी ए वाली हो, चाहे ए वाली हो, चाहे ए वाली हो, चाहे वाली हो, हर एक माध्यिका के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। सपोज करिए यहाँ पे माध्यिका AD अपान PE है, इसी क्रम में अगर यहाँ पे हो सकता था कि BE इसको आप चाहे तो M कर दीजिए, M करेंगे तो PM हो जाएगा, PM का होल स्क्वायर, AD अपान PM का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे BE अपान यहाँ पे अगर हम लेके जाए n कर दें तो BQM का होल स्क्वायर, इसी तरह से अगर हम C से यहाँ पे माध्यिका F पे पढ़ाए हैं
तो यप, तो हम लिख सकते हैं सी एफ अपान एम एन आर एस कर दे, सपोज करिए आर एस का होल स्क्वायर। तो आप माध्यिका को अप्लाई कर सकते हैं, मतलब मैंने कहा जो भुजाएं काम करेंगी वही माध्यिकाएं भी काम करेंगी। त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा, संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। इसी श्रृंखला में आप ये भी कह सकते थे अगर ये माध्यिकाएं ना होकर के, ये माध्यिकाएं ना होकर के ये लंब होती, अगर मान लीजिए सब लंब होती तो भी आप कह सकते हैं कि त्रिभुज की संग त्रिभुज दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत लंबों के अनुपात के भी बराबर होता है। तो दो पॉइंट हम यहां पे लिख देते हैं, त्रिभुज के दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं और संगत लंबों के अनुपात के संगत लंबों के वर्गों के अनुपात के समान होता है, अनुपात के समान। मेरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, समानुपात होता है, समानुपाती होता है। तो आपको जो चीजें समझाई गई वो चीज क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पे उसी तरह से अगर हम सपोज करिए एक छोटा सा हम दिखा देते हैं आपको, अगर AD लंब है और यहाँ पे PM लंब है तो हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा AD अपान PM का होल स्क्वायर। तो आप इसी तरह से अगर यहां से लंब डाले हैं तो BE अपान QN के होल स्क्वायर के हो जाएगा, इसी तरह से अगर यहाँ CF डाले हैं तो यहाँ पे RS के होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो आपने त्रिभुजों से संबंधित इन प्रकार की हर एक स्थितियों के बारे में पढ़ा और समझा। जो त्रिभुज के कंप्लीट एनालिसिस होती है जितना भी प्रयास किया गया, जितना भी मैक्सिमम हो सकता है उतना बताने का सोचा गया है, जितना लेक्चर में संभव हो सकता है। आगे चित्रों पे अगला सीरीज भी कंटिन्यू रहेगा, आप लोग इसको भी पढ़िए, पिछली सीरीज से मैच कराइए और इसको मिला करके अच्छे से अपनी तैयारी को अंजाम दीजिए। आज की क्लास यहीं पे हम स्थगित करते हैं, रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज के इस सीरीज की अगली श्रृंखला में। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।